हेलो फ्रेंड्स, अन्नू के तड़का में आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सूखे आलू टमाटर की सब्जी, जिसको आप टिफ़िन वगैरह में या झटपट जल्दी से कभी भी बना सकते हैं। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये आधा किलो आलू लिया है, जिसको मैंने ये चॉप कर लिया है। एक आलू में मीडियम साइज़ के एक आलू मैंने 8 टुकड़े किए हुए हैं, ये मीडियम साइज़ के। मैंने इसमें 3 टमाटर लिए हुए, ग्रीन चिल्ली मैंने ली हुई है 4 से 5, और ये इसमें हम ये मसाले में ये जरूरत अनुसार हम लेंगे, पिसा मिर्च है ये नमक है, ये जीरा है, और ये पिसी खटाई है, और ये गरम मसाला है, और ये हींग है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऑयल जो है मैंने ये पहले से ही हीट होने के लिए रख दिया है। तो देखिए, ऑयल में सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं अपना, तो देखिए सबसे पहले हम इस पर डाल देते हैं ये जीरा और ये हींग। जैसे ये हो जाएगा, अब हम इसमें डाल देंगे अपने ये टमाटर और ये हरी मिर्च। और अब हम इसमें डालेंगे अपना ये पिसा लाल मिर्च। आप ये सारी चीज़ें मसाले भी आप अपने घर के हिसाब से लीजिए, कि जिस हिसाब का टेस्ट हो। और इसमें हम ये अब ये ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालते समय इसी ध्यान रखें कि नमक ज़्यादा ना हो। और ये डाल देंगे हम ये थोड़ा सा गरम मसाला, और इसको टमाटर को हम गला देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टमाटर जो है ये गल चुका है, पीछे अच्छी तरीके से मैश हो रहा है। आप देखिए कलर इसका कितना प्यारा आया है। और इसमें अब हम सबसे लास्ट में यूज़ करेंगे पिसी खटाई डाल के इसमें हम मिला लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, ये बहुत ही झटपट बन जाती है। इसको आप चाहें तो पराठे के संग या पूरी के संग या रोटी के संग या फिर दाल चावल के संग भी बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अब हम इसमें ये अपना ये आलू डाल के अब हमें 4 से 5 मिनट तक तेज आंच पर भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 4 से 5 मिनट तक ये अपनी सब्जी को भून लिया है, और ये बनकर अब रेडी हो चुकी है। अब हम इसको इस सर्विंग प्लेट पे हम सर्व कर लेते हैं। अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप हरा धनिया भी इसमें डाल दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्जी बनकर रेडी हो चुकी है। आपको कैसी लगी हमारी ये रेसिपी, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।